सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आप लोग को पता है जो भी खाना हम खाते हैं वो पहले हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में कुछ एंजाइम है जो उस खाने को पचाता है, डाइजेस्ट करता है, फिर उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे ब्लड वेसल में मिलता है, खुलता है और हमें न्यूट्रिशन मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, नहीं तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। वापस टॉपिक पे लौटते, जब आप फिनिश डाइट खाते हो, फिनिश डाइट आपके पेट में जाकर हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। खाने को पचाना, इसको इंग्लिश में डाइजेशन बोला जाता है, लेकिन फिनिश डाइट के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब फिनिश डाइट एब्जॉर्ब होता है। आप फिन खाते हो, फिन खाने के बाद सीधा आपके पेट में चला जाता है और पेट से लीवर में चला जाता है और लीवर में फिनिश डाइट एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स में, जिसको आर्टरी बोलते हैं हम नॉर्मली, उसमें मिक्स हो जाता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। आप लोगों को अगर नहीं पता है, बता देता हूं, लीवर में ही THT मेनली प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, जेनरेट होता है, उत्पन्न होता है। लीवर में उस THT को रोकने के लिए फिनिश डाइट सबसे पहले लीवर में ही एब्जॉर्ब होता है और उस THT को रोकता है। आसान शब्द में बोलूं, फिनिश डाइट आपके पेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, आपके पेट में यह रहता भी नहीं है। और इसीलिए अगर आपकी पेट की बीमारी चल रही है और पेट की बीमारी के लिए आप कोई दवाई ले रहे हो तो उसके साथ आप फिनिश डाइट को बेझिझक ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बुखार का जो दवाई है, पेट का जो दवाई है, ब्लड शुगर का जो दवाई है, ब्लड प्रेशर का जो दवाई है और किडनी का भी अगर दवाई आप ले रहे हो तो उसके साथ फिनिश डाइट को सेफली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं क्योंकि मेडिकल साइंस में यही लिखा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।